हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मास्टर क्लास में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं फिर आप लोगों के लिए लेसन लेके आया हूँ। एक्चुअली दोस्तों मैं पूजा में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी था और आप लोग भी बिजी होंगे, इसीलिए वीडियो बनाने से भी आप लोग को शायद देखने का टाइम नहीं मिलता होगा, इसीलिए मैं कोई वीडियो अपलोड किया नहीं। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों मास्टर क्लास में अब तक मैं 1 से लेके 7 लेसन दे चुका हूँ जिसमें मैं गिटार के बारे में सारा कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। गिटार ट्यूनिंग करना, फ्रेट बोर्ड चार्ट, जैसे नोटेशन कैसे पढ़ेंगे, टैब कैसे लिखना होता है, कैसे पढ़ेंगे, सारा कुछ आप लोग आगे वो सब वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो आज मेरा ये स्टेप 8 है जहाँ हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करूंगा, फिंगर एक्सरसाइज, जिसका दोस्तों आप लोगों का इंतजार था। अब तक हम लोग गिटार पे कुछ बजाया नहीं था, जस्ट गिटार के बारे में सारा कुछ जाना सीखा था। दोस्तों मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जो लोग अभी भी नहीं किए हैं उन लोग को भी बोलूंगा मेरा वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मैं आज 3 ऐसे लेसन देने जा रहा हूँ जिसमें आपका हाथ बहुत फास्ट चलेगा और ये बिगिनर के लिए है। आप लोग धीरे धीरे इसको स्लो करके बजाएंगे एंड उसके बाद फिर फास्ट करेंगे। तो मेरा फास्ट एक्सरसाइज है फ्रिटिंग हैंड वार्म अप। इसको कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए, साइड में दिए गए फ्रेटबोर्ड देखिए एंड मेरा फिंगर को फॉलो कीजिए। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 फ्रेट से हम लोग स्टार्ट करूंगा। काउंटिंग कर लीजिए, फ्रेट के बारे में आगे ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1 2 3 4 5, 5 फ्रेट से स्टार्ट करेंगे। 5 में 1 फिंगर, फिर 6 में 2, 7 में 4 एंड 5। एकदम इजी एक्सरसाइज है, आप लोग फ्रेटबोर्ड देखिए। तो 1 2 3 4 फर्स्ट ऐसे करेंगे, स्लो फिर फास्ट करेंगे। तो दूसरा 5th स्ट्रिंग का 5 फ्रेट पे 1 फिंगर एंड वापस आप 6th स्ट्रिंग पे आ जाइए। 6th स्ट्रिंग का 6 7 8, मतलब फास्ट करेंगे। उसके बाद 3rd नंबर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बजाने के लिए 5th स्ट्रिंग का 5th फ्रेट एंड 6th फ्रेट ऐसे करके। उसके बाद 6th स्ट्रिंग का 7 8 ये होगा। ऐसे करेंगे। उसके बाद 4 एक्सरसाइज, 5th स्ट्रिंग का 5 6 7, मतलब 1 2 3 फिंगर देखे फिर 6th स्ट्रिंग का 8 इस टाइप का होगा। उसके बाद 5th स्ट्रिंग का 5 6 7 8, तो पूरा कैसा था एक बार मैं दिखा दूं। आप लोग मेट्रोनम भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे आता है ऐप, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उसके बारे में वीडियो में दिखा चुका हूं जिसमें ट्यूनिंग भी कर पाएंगे आप लोग वो ऐप से, एंड उसमें आप लोग मेट्रोनम भी यूज कर सकते हैं। अपना हिसाब से टेम्पो 75 से लेके 120 तक स्पीड तक प्रैक्टिस करेंगे। इसको दोस्तों डाउन अप करेंगे, पहले डाउन डाउन करेंगे उसके बाद डाउन अप करेंगे। पहले डाउन 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 और डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये था हम लोग का फास्ट एक्सरसाइज। और दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो आप लोग 5 फ्रेट से किए हैं ये आप लोग 7 फ्रेट से भी करेंगे।
फाइव फ्रेट से करने के बाद सेम फिंगर सेवन से स्टार्ट कर सकते हैं, सेवन पे वन फिंगर लग जाएगा। देखिए सेवन से एक बार दिखा देता हूँ, सेवन फ्रेट से वही सेम टेक्निक ऐसे करके जितना हो सके फास्ट मेट्रोनाम के साथ। तो चलिए दूसरा लेसन पे चलता हूं। तो अभी हम लोग करूंगा क्रोमैटिक वार्म अप। इसको देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग फर्स्ट फ्रेट पे चलाऊंगा, सिक्स स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट पे एकदम आसान है, वन टू थ्री फोर ऐसे करके सारा फिंगर लगेगा दोस्तों, वन टू थ्री फोर। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग पे वन टू थ्री फोर, आप लोग फ्रेट बोर्ड देखिए एंड फोर स्ट्रिंग के भी सेम, आप लोग चाहे तो थर्ड स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं। तो ये था, फिर बैक आ जाएंगे, बैक उल्टा भी आ सकते हैं, इसको भी डाउन अप करेंगे। जितना हो सके फास्ट करेंगे, स्लो एंड फास्ट। ये था क्रोमैटिक वार्म अप। अभी हम लोग करूंगा थर्ड एक्सरसाइज, डायगोनल मूवमेंट। तो इसके लिए हम लोग सिक्स स्ट्रिंग का फाइव फ्रेट से स्टार्ट करूंगा, ये भी आसान है दोस्तों। तो देखिए कैसे, तो फिर सिक्स स्ट्रिंग का फाइव फ्रेट पे वन फिंगर, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग का सिक्स पे टू फिंगर, फोर स्ट्रिंग का सेवन फ्रेट पे थर्ड फिंगर एंड थर्ड स्ट्रिंग का एट फ्रेट पे फोर फिंगर, ऐसे ट्यून सुनिए ऐसे आएगा एंड फिर बैक आइए वहीं से, पूरा बजाने से दोस्तों ऐसे हो। डाउन अप किया तो ये था दोस्तों आज का लेसन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। आज से मैं आप लोगों का फिंगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी फिर कंटिन्यू आप लोगों को फिंगर एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो दूंगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज यही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।